होटल में आए थे, होटल में दो घंटे नहीं हुए। तो नमस्कार दोस्तों, एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। हाँ, ये व्लॉग मैं वॉइस ओवर के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई सुबह सुबह ना मतलब उठ करके आवाज भी ढंग से नहीं निकल रही थी, एंड यहाँ पे भाई एकदम थकान सी उड़ गई थी क्योंकि रात को पूरी नींद नहीं मिली थी। और मैं सुबह उठ चुका था 4 बजे और मेरी फ्लाइट थी सुबह 8 बजे की, और उससे पहले मुझे 3 घंटे पहले लगभग मुझे एयरपोर्ट पहुँचना था, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो भैया किसको पता कि भैया यहाँ पे क्या होगा। तो बस हम एयरपोर्ट पहुँच पड़े। कैसे हुई विल पाजी? क्या लगा बढ़िया कुछ नहीं हो रही, धोखाधड़ी अभी भी मिले हैं, ये मुझे अभी भी मिले हैं गाइस, और मैं भी अभी भी आया हूँ। आज ये लेट हुआ गाइस, पिछले बार में अगर तुम्हें याद हो तो मैं लेट हुआ था, लेकिन अब की बार ये लेट है, मैं अब की बार 2 घंटे पहले आ चुका हूँ। भाई कुछ नहीं आया 2 घंटे पहले, ये हर बार का इनका ड्रामा है भाई, झूठ बोलना। ठीक है भाई। कुछ नहीं हो रही भाई, काम धंधा नहीं है भाई, कमाई वाई कुछ नहीं है भाई, गरीना ने हमारा नुकसान करा दिया और यार गेम बैन करके भाई। देखो छुपा लिए गए हैं, छुपा लिए गए हैं। ओ माय गॉड, भाई साहब यहाँ पे बोला तो जा रहा है बट हम नहीं सुन रहे भाई। अरे जी क्या कर रहे हैं? इसको नोट खिला रहा भाई, खा ले, ले। नहीं खाए भूतनी के, ऐसे क्या कर रहे नोट मना कर रहा है भाई, तू कुछ 100 लिख रहे हैं यहाँ? हाँ लिखा हुआ है, दोबारा खा ले। चलो गाइस दूसरा नोट ट्राई करते हैं, दूसरा नोट ट्राई कर गए। और जी ये ले लिया। बताओ क्या लोगे? ये ले लिया। ये गाइस देखो तुम लोग को दिखाते हैं, इसमें ध्यान से देखना है, विलपाजी का फोन नंबर है। मेरा फोन नहीं यार, फोन नंबर दिया। गाइस देखो यहाँ तक ठीक था, ये सही है विशाल, फिर ये दिल्ली टू बैंगलोर, ये मेंशन करने की क्या जरूरत थी? मतलब अरे गाइस ये मुंह पे क्या बोल दिया हमको, भाग गरीब निकल गरीब यहाँ से। अभी देखो गाइस हम दोनों में से ना एक बंदे को मिलने वाली है विंडो सीट, अब मैं बोल चुका गन शॉट। हाँ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा आपको पकड़ना है, आपको ही टाइम लेस नहीं पड़ेगा, मैं तो आराम से सूते में चले जाऊंगा। नहीं गाइस, सो गाइस बोर्डिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है। ओह माय गॉड, बोर्डिंग। चलो गाइस, जोरा जी कैसा लग रहा है? बस लग ही रहा है, सुबह से लग ही रहा है, कभी नींद लग रही है तो पीछे था वैसे टॉयलेट था, अगर लग रहा तो लग रहा है। क्या लग रहा है नहीं बताया मैंने। पिकाचू भाई, अवॉइड बट दे कांट अवॉइड मी, लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। ये तो पिकाचू मान लो इनको, चलो फिलहाल फिलहाल प्लेन में बैठते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं गाइस। सीट में बैठ के गाइस, सीट में बैठ के देख, आई होप कोई सुंदर कन्या बैठे और आज ठीक है। और हमारा विमान निर्धारित समय से उड़ पड़ा और ये विमान पहुंचा सीधे अपने अल्टीट्यूड पे, और उसके बाद भाई यहाँ पे ये सफर केवल दिल्ली से लेकर बैंगलोर का नहीं था, ये सफर था 3 घंटे का, ये सफर था 44 डिग्री से 20 डिग्री के टेम्परेचर का। वेदर कंडीशन आप लोग देख ही सकते हो, काले बादल हैं, एंड यहाँ पे इसके बाद 2-3 दिन तक दिल्ली में भी अच्छा मौसम रहा, बट मैं दिल्ली में नहीं था, मैं बैंगलोर में था, और यहाँ पे फ्लाइट में इविल पाजी को नींद आ गई थी, एंड मैं तो जागा हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे काफी कुछ रिकॉर्ड करना था, एंड मैं मूवी देख रहा था। अब मूवी आप लोग गेस करके बताना, उसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत भी है, एंड यहाँ पे बहुत मस्त मूवी, एकदम लेजेंडरी मूवी, आप लोग नाम गेस करो कमेंट सेक्शन में। एंड बाकी बादल ऐसे लगे हुए थे बैंगलोर में कि भाई खतरनाक, बट सबसे ज्यादा मेरा ध्यान खींचा इसने, क्योंकि पुत्र जिस तरीके से काम रहा था ना, मतलब डर लग रहा था मुझे कि अब क्या होगा। मैंने इविल पाजी को फटाफट जगाया और हम दोनों देखने लगे भाई ये क्यों कांप रहा है, बट ये नॉर्मल सी बात थी, बट मुझे डर लगने लगा, मुझे लगा कहीं भाई आज हम फ्लाइट में ही आसमान को प्यारे ना हो जाए। और देखते देखते हमारी फ्लाइट लैंड करी बैंगलोर एयरपोर्ट, की पार्टी दे दी गई है। इतने सस्ते में टिकने की कोई 620 का पड़ा कर दो, ठीक है ये सस्ते में लग रहा तुम्हें, ठीक है गाइस। इसके 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 बाद बार बैन के दिनों में ये मुझसे पार्टी मांग रहे, शर्म नहीं आती गाइस। गाइस इसके बाद हम लोग पब जाएंगे वहाँ पे, और भाई एंट्री दिलाएंगे, पैसा ही पैसा, कुछ नहीं होने वाला। ठंडी लग रही है यहाँ आकर के, वेल पाजी जिस गाड़ी पे हाथ रखोगे आप उसी गाड़ी को उठा दूंगा यहाँ से।
सारी पे नहीं, एक ही उठाऊंगा। अरे सारी पे नहीं, वैसे कुछ भी कहो यार, बैंगलोर में आकर के वेदर ही कुछ और है, मतलब भाई यहाँ पे बात ही कुछ और चल रही है यार। सही पता है, ठंडी हवा लग रही थी है ना, ठंड सी नहीं लग रही। दिल्ली में 40 degrees 45 degrees और यहाँ पे अगर 23। और इनका मोबाइल हैक हो चुका है। ड्रॉप पॉइंट रेस कोर्स होटल। चलो भाई बाय बाय एयरपोर्ट, बाय बाय सिविल पाजी। चलो भाई निकलते हैं, हम भी मिलते हैं आप होटल में। गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट से होटल की तरफ को, और ये घंटा एक घंटे से ऊपर का रास्ता है। और अभी विल पाजी ने बोला है कि वो शाम को जिम जाने वाले हैं, एकदम बॉडी वॉडी बनाएंगे एकदम खतरनाक वाली, और मैं भी जाऊँगा जिम। और वैसे जाते नहीं है हम जिम, बट कोई नहीं चले जाएंगे जिम और थोड़ी बॉडी वॉडी बनाएंगे। और एक और चीज़ है कि हमने रास्ते में कुछ फोटोज़ क्लिक करी है, वो फोटोज़ आपको कहाँ मिलेंगी, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में। तो जा करके क्या करना है, क्या करना है, और लाइक करना जी। तो अलग फ्लोर के ऊपर है। मामा जी आएंगे 3 बजे तक, और अभी देखते हैं कि हमें लंच करना है कि नहीं करना है। तब तक मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। तो ये पूरा वॉशरूम होने वाला है, यहाँ पे आपको शान एरिया है, और इसके बाद यहाँ से डोर रूम बहुत छोटा सा है, बहुत कॉम्पैक्ट सा है। मतलब लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे बैंगलोर FFIC की कास्टिंग के लिए, तब वो ITC विंडसर था, वहाँ का रूम बहुत बड़ा था। और ये रूम होने वाला है बहुत छोटा सा चिंदू सा रूम, और यहाँ पे एक मिरर है। और बाकी अभी रूम के अंदर ये है, अभी इसको ख़राब नहीं करा मैंने। और यहाँ पे है बहुत सारा हल्ला, तो तुम्हें नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे होने वाला है पूरा का पूरा रेस कोर्स, और तुम लोग देख ही सकते हो भाई। मैंने ना कहीं आने से पहले देख लिया था कि कैसा होटल होने वाला है, तो मुझे पता था सामने रेस कोर्स है बहुत बड़ा, घोड़ों की रेस होती है गाइस यहाँ पे, गधे भी दौड़ते हैं हमारी तरह। तो गाइस ये होने वाला पूरा पूरा रेस कोर्स, और ये तुम्हारा भाई होने वाला है। अरे कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं पूल में। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं रूफ टॉप पे, मतलब टेरेस पे, और यहाँ पे आप लोगों को कुछ मैं दिखाता हूँ। तो मेरे पीछे होने वाला पूरा एक पूल, जिसके लिए हम लोग बिल्कुल प्लानिंग करके नहीं आए। हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है, तो शायद आवाज आ रही हो ना आ रही हो, पर हम लोग बिल्कुल प्लानिंग नहीं करके आए हैं। और इविल पाजी तो आने के साथ ही ब्लॉग बना रहे थे अपना पहले ही। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ये पूरा पूरा रेस कोर्स है, जो यहाँ पे मैंने दिखाया था ऑलरेडी। और उधर वो मेरे ख्याल से वो कोई पैलेस वैलेस जैसा होने वाला है उधर, तो वो कुछ पैलेस जैसा होने वाला वहाँ पे कुछ। और ये है रेस कोर्स, आई थिंक सो ये जो सर्कल सर्कल है ना, इसमें ट्रेन करा जाता हॉर्सेस को, मेरे ख्याल से ट्रेनिंग के लिए है, ये रखने के लिए है। और बारिश के छींटे ऑलरेडी आने लग गए, हमने सोचा था कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा वो करेंगे, बट बारिश। और पता है मैंने एक चीज़ पता करी स्टाफ से, तो बोले अगस्त तक ऐसे ही चलता रहेगा यहाँ लगातार। तो यार बहुत सही वेदर है यार बैंगलोर का इस हिसाब से। और ये गीले हैं यार, कम से कम बैठ जाते बट गीले हैं क्योंकि बारिश हो रही है लगातार। और वो वहाँ पर देखो कितना फॉग हो रखा भाई साहब, देख रहे हो कितना ज़्यादा फॉग हो रखा, उधर सिटी नहीं नज़र आ रही, फॉग नहीं मतलब क्लाउडी तरीके से। और पता कौन सी फ्लोर है तुम्हें? 17 फ्लोर है यार। क्या 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 बनेंगे, क्या ब्लॉगर बनेंगे, इनको कुछ नहीं पता यार, कुछ नहीं पता इनको भाई। ये बहुत महंगा पड़ेगा। देख रहे हो गाइस बहुत महंगा पड़ेगा, ऐसे मैंने भी कर रखा है, ऐसे मैंने भी कर रखा है। बाकी यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, तो अगर मैं इविल भाई को यहाँ धक्का दे भी देता हूँ ना, यहाँ पे धक्का दे देता हूँ, अगर इसके अंदर धक्का दे देता हूँ, तो कोई इनको बचाने के लिए भी नहीं आएगा, कोई नहीं। तो देखते हैं कि क्या होता है, बट
यही था, छत देखने के लिए आया था मैं अभी, रूफ टॉप देखने के लिए आया था। अरे जी आज बोल रहे हैं आज हम जिम करेंगे, सो लेट्स सी जिम करेंगे भाई। भाई लिटरली बहुत नहीं, नीचे फ्लोर है, नीचे फ्लोर है, वुड वुड है यार, बट इसके नीचे फ्लोर है, पूरी चीज का मम मम मार देगी पूरी पूरी प्लान। चलो चलो गाइस, हॉन्टेड है गाइस, ये वो कर लग रहा है मजनू भाई ने बनाई थी। देखो ये वाले घोड़े को घास तो नीचे उदास है, इस घोड़े ने ज्यादा घास खाई तो उससे ज्यादा खुश है, हरा भरा है ये घोड़ा यार, थोड़ा परेशान है, इसने घास की जगह मिट्टी खा लिया। हाँ वो थोड़ा परेशान है कि भाई मैंने घास तो खाई मिट्टी भी खा ली, और ये घोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये घोड़ा तो कर रहा है कुछ तो, मैं सोचूंगा तब बताऊंगा। दया कुछ तो गड़बड़ है, दया दया फोर्थ फ्लोर पर चलते हैं गाइस हम लोग। यस फोर्थ फ्लोर, अरे कार का भी ना होटल में आए थे, होटल में दो घंटे नहीं हुए, कुछ सच को मार के तो नहीं कुछ नहीं बोल रहा है कसम से भाई, कोई बात कोई बात नहीं। मुझे टूट रहा है, जिम कौन से फ्लोर पे है? जिम कौन से फ्लोर पे? वन में, फोर्थ में, फर्स्ट फ्लोर पे जिम। सो थैंक यू, चलो क्या बात है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जहर ये मतलब क्या करना चाह रहे हो? तो गाइस अभी हम लोग आए थे जिम और मैंने कर लिया ऑलरेडी 10 मिनट रनिंग, बट ये पाजी कह रहे हैं वो 20 मिनट करेंगे, तो उनका 13 मिनट हो चुका है, बट वो करेंगे 20 मिनट। मैं नहीं करता हूँ रोज रनिंग, तो मेरे को इतनी आदत नहीं है, बट मेरी तो हो चुकी है 10 मिनट। अब मैं करूँगा थोड़ा सा जंपिंग जैक्स, अभी हमारी बाइसेप हो चुकी है, ट्राइसेप हो चुकी है, और एक्स्ट्रा हम लोग आज चेस्ट करके जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि थोड़ी चेस्ट भी हो जाएगी, ठीक है अपर बॉडी लगभग हो जाएगा, बट इसके बाद कल का प्लान है कि थोड़े लेग्स करेंगे। इमल पाजी और पाँव ही फंस गया, इमल पाजी का पाँव ही फंस गया लेग करने की, तो बाइसेप ट्राइसेप और चेस्ट है ना, चेस्ट के पहला सेट हो गया दोनों का, दूसरा मारेंगे 7:30 के साथ, तीसरा मारेंगे 10 के साथ, ठीक है, और कल करेंगे लेग्स करने, कल क्या करेंगे, कल करेंगे बैक, कल करेंगे बैक और शोल्डर दोनों साथ में, तो और कल और मजा आने वाला है। तो अभी मैं चाहता हूँ मेरा सेट है, तिविल पाजी चलिए मुझे दीजिए 7:30। तो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं यहाँ पे जिम से, और हमने करी आज आपको पता ही चल गया क्या क्या करी, और तुम्हारा भाई थोड़ा सा थक गया है जस्ट बिकॉज ऑफ भाई तुम्हें पता वर्कआउट, तुम्हें मेरे कान लाल नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मम्मी ने मेरे ना चांटे बजाए हैं बहुत बुरे ऐसा। तो बस अभी जाते हैं बात लेते हैं, फिर इसके बाद सोच रहे हैं कि बाहर जाएं, बट बाहर जाने का ना ऐसा लग रहा है कि ना बाहर रेनी वेदर लगातार चल रहा है आपको जैसे कि पता ही है, तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो आसपास का डाइनिंग का भी नहीं पता कहाँ डाइनिंग, और रिजर्वेशन भी हमने नहीं करा रखा, तो हम लोग जोमेटो ही करेंगे।